भारत रक्षा मंच ये भारत के सभी राज्यों में फैला हुआ एक राष्ट्रवादी संगठन है। अभी इसकी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार शीघ्र कठोरता पूर्वक लागू करे। आज के पत्रकार वार्ता में भारत रक्षा मंच ने जिस विषय में सफलता पाई है उस बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या को कहां तक सरकार के माध्यम के द्वारा हल किया गया इसकी जानकारी दी, जो स्वाभाविक ही था क्योंकि भारत रक्षा मंच ने यही मुद्दा पहले उठाया था। उसके अनुसार घुसपैठ प्रायः बंद हुई है, आए हुए लोगों को जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम अत्याचारों के कारण अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हैं उनको यहाँ नागरिकता दी गई है, और NRC के द्वारा उन जो बांग्लादेशी हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। अभी हमारी मांगे जो है इसकी जानकारी मैंने दी कि दो मांगे अभी बची है, एक तो NRC का काम सभी राज्यों में किया जाए और दूसरा घुसपैठ विरोधी एक व्यवस्थित कानून बने, कारण IMDT एक्ट के बाद कोई कानून अभी तक नहीं बनाए है, वो शीघ्र सरकार बनाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये अब हमारा प्रमुख मुद्दा है, साथ ही साथ समान नागरिक कानून, क्योंकि देश पर जनसंख्या का एक बड़ा संकट आ रहा है। इस संकट के निवारण के लिए बहुत आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बने। इस दृष्टि से भारत रक्षा मंच ने देश भर में सभी जिलों में अधिकारियों के पास ज्ञापन दिए हैं केंद्र सरकार के नाम कि वो शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं समान नागरिक कानून बनाए। और तीसरी बात हमने ये भी कही कि देश में विपक्ष देश विरोधी शक्तियों का साथ देने लगा है, जिसके कारण देश में संकट बढ़ने वाला है, ऐसा हमारा अंदाज है। और इस दृष्टि से लोग सावधान रहें। देश विरोधी हरकतें हम मानते हैं कि लाल किले पर तिरंगा झंडा जहां फहराया जाता है, हमारा राष्ट्रध्वज जहां फहराया जाता है, वहां चढ़कर के दूसरा ध्वज फहराना, पुलिस पर हमले करना, 300-400 पुलिस को घायल कर देना, पुलिस से जो बातें तय हुई है उनका उल्लंघन करना, न्यायालय कहे तो न्यायालय के निर्णय को अमान्य करना, संसद से पारित कानून को बिना तर्क के समाप्त करने की बात करना, ये सब अराजकता लाने का प्रयत्न है। और इसमें विपक्ष जो संसद में बैठ रहा है वह भी इनका साथ दे रहा है, यह निंदनीय है। भारत रक्षा मंच ने ये तीन मुद्दे आज के पत्रकार वार्ता में रखे। हमारा पुराना मुद्दा बांग्लादेश की घुसपैठ के बारे में क्या हुआ ये बताया, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी लागू हो इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं, और ये प्रयत्न करते हुए हमने ये भी देखा है कि आने वाला समय ये देश विरोधी हरकतें जो चल रही है उनको साथ देता हुआ विपक्ष, इसके कारण देश में एक संकट उभरता जा रहा है, ये संभावना मैंने आज के पत्रकार वार्ता में व्यक्त की है। आज भारत रक्षा मंच की महाराष्ट्र प्रदेश की पत्रकार वार्ता थी और इसका विषय था जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की अब आवश्यकता हो गई है, और भारत रक्षा मंच इस विषय के ऊपर पिछले 2 साल से लगातार देश के विविध राज्यों में काम भी कर रहा है। हम केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जाए, पारित किया जाए, और इसी विषय में अब जन जागरण करते हुए सरकार तक ये मांग पहुंचाना, क्योंकि ये मांग सिर्फ एक मंच की ना होते हुए ये जनता की मांग है और जनता के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। इसी विषय पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय सूर्यकांत केलकर जी ने आज पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित किया, और आगे हम इस विषय में विविध माध्यमों से देश के विविध राज्यों में ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। जैसे खारघर में हमने यहाँ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के द्वारा, नागरिक खुद प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये मांग करें, इस तरह से हम जन जागरण करने जा रहे हैं। कुछ राज्यों में इसके लिए एक रथ यात्रा निकलेगी या विविध तरह के आंदोलन हो गए, और यह मांग हम लगातार विविध राज्यों की सरकारों से विधानसभा में और केंद्र सरकार में ये जाए इसका प्रयास करेंगे।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।